अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सस्ते है गाड़ी बनाती, बस करो रिएक्शन वीडियो पहले कर ले। ओ भाई चलता है साहब, सस्ता गाड़ी बनाती कैसे करते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनीक रिएक्ट्स। मैं हूं मोहम्मद अनीक। मैं हूं मोहम्मद आफाक। तो आज हम रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जो है एक फिल्म का ट्रेलर जिसका नाम है वकील साहब। दोस्तों वकील साहब की बात करते जाए तो वकील साहब के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है, एक है पवन और दूसरे हैं यार, एक इसके अंदर पवन है और दूसरे हैं इसके अंदर प्रकाश राज। और अगर हम मूवी के नाम की बात करें तो मूवी का नाम है वकील साहब। तो दोस्तों चलते हैं पहले ट्रेलर की तरफ, ट्रेलर देखते हैं, बाकी बातें हम करेंगे ट्रेलर के बाद। तो और सबसे अहम बात रहती है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट के अंदर बताएं कि आपको ये लाइक करना नहीं भूलना जी। चले पहले वीडियो देख लेते हैं, आए देखते हैं पहले वीडियो। मिस पल्लवी, आर यू अ वर्जिन? ये प्रकाश राज। बिना पढ़ेला चप्पंडी, आर यू अ वर्जिन? అసలు వాళ్ళతో వెళ్లకుండా ఉండాల్సింది, ఇదంతా జరుగుండేది కాదేమో. అమ్మాయిలకి పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి లేదు సార్, ఉత్త మిడిల్ క్లాస్. జడ్జిని కలిసి ఎమర్జెన్సీ బెయిల్ అప్లై చేస్తే బెయిల్ వస్తుందన్నారు సార్. ఎవరు చెప్పారు? చూస్తే అప్పుడే నాకు తేడా కొట్టింది సార్. సరిగ్గా చెప్పండి, ఏం చెప్పారు, ఏం చేశారు? ఇలాంటి అమ్మాయిలకి ఇలాగే జరుగుతే అలా జరగద్దు, జరగకూడదు. అబ్బాయిలు అడగకూడదా? ఏం న్యాయం నందాజీది? కూర్చోండి చాలు. राजश्री ऋषि इनके प्रोड्यूसर। हाँ तो यार इसके अंदर जो मेन सीन था ना, अगर हम मेन सीन की बात करें तो जैसे ये ट्रेलर स्टार्ट हुआ है तो उसने क्वेश्चन किया है कि आर यू वर्जन, पर इसने प्रकाश राज ने किया है। अच्छा अब जो ट्रेलर एंड हुआ है तो वही क्वेश्चन जब उसने किया है पवन ने किया है लड़के से, तो ऑब्जेक्शन भाई उसने कहा किस चीज का उसने कहा अगर तुम लड़कियों को ऐसे दे तो हम भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर अगर इस ट्रेलर की हम बात करें तो इस ट्रेलर के अंदर प्रकाश राज और पवन दोनों जो था वकील थे दोनों, इनका टक्कर किया। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो जो है प्रकाश है, उनकी एक्टिंग का मेरे ख्याल में कोई उनके मुकाबले में नहीं। हाँ वो खुद भी एक राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है। हाँ राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। और यार अगर हम पवन की बात करें तो ये भी एक एक्टर है, स्टंट मेकर है, स्क्रीन क्रिएटर है। ठीक है, स्क्रीन क्रिएटर, स्क्रीन राइटर ये भी है, ये भी काफी मशहूर है, काफी मशहूर है, काफी बल्कि अच्छे खासे मशहूर है। तो दोस्तों इस मूवी का जो सीन है उसके अंदर इस ट्रेलर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने उनसे या कोई मर्डर हो गया है या फिर उन्होंने मर्डर नहीं किया तो उनको इल्जाम लग गया है, जिस इल्जाम को से वो डर रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो चली जाती हैं, उनके ऊपर केस होता है, वो कोर्ट जाती हैं। अब कोर्ट में एक उस पीछे से एक वॉइस आई थी, उससे पहले वो मतलब जो है ना बेल के मतलब क्लास करती है लेकिन उनकी बेल नहीं होती क्योंकि वो मिडिल क्लास में थी ना। अब वही बात ना, वो वकील कह रहा है कि तुम लोगों किसने कहा है कि बेल हो सकती है। ठीक है, उसी वक्त वो उसका इंट्री दिखा देते हैं, क्या नाम है अपना पवन की इंट्री दिखा देते हैं। और उसके बाद एक उसके अंदर जो नाजमी बात हो रही थी वो ये थी कि लड़कियां जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
कि मतलब कि वो उनका ये था कि मिडिल क्लास फैमिली है, ये कौन सा कुछ कर सकती, कुछ कर नहीं सकते, इनको दबा देंगे। लेकिन जब उनको मिल गए हैं वकील साहब यानी कि पवान, तो फिर पवान तो भाई ये जीतेगा ही। तो बाकी अगर इसके अंदर हम बात करें तो मेरे ख्याल में कि लड़कियों को एंड के अंदर ना इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि जब वो देखो ना लड़की भी उसे कह रही है कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो, उसे कह रही है किडनैप कर लेते हैं उसको, किडनैप कर लेते हैं उसको, धमकी देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों जब इसके अंदर उसकी एंट्री है, पवान की एंट्री है, तो हो सकता है कि ये जो केस है हो क्या सकता है, बल्कि यही होता है कि जो होगा अपना लड़कियां होंगी या जिनके तरफ मेन कैरेक्टर है पवान, तो वो केस जीत जाएंगे और दूसरा जो है लड़का उसको सजा मिलेगी, पक्की बात है। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें जो है मेन चीज है, उन्होंने इस ट्रेलर के अंदर जो रखी है वो है तजस्सुस, कि क्या होना, क्या होना है, क्या किया है और क्या होना है, क्या होना है, कि मतलब उनसे क्या हो गया जिनके ऊपर वो केसेस लड़ रहे हैं, ठीक है, और उन आगे क्या होगा कि वो जीत जाते हैं। अब लड़का पहले कह रहा था कि मुझे लड़कियां दोस्ताना लगी हैं, लेकिन बाद में वो कह रहा है कि जो मैंने सोचा था ये उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके ऊपर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया या आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो क्या ख्याल है, अब वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हमें नहीं जाता। अल्लाह हाफिज़।